हम देखते हैं कि अर्जुन ने जैसे ही 10वां अध्याय सुन लिया, अध्याय सुनने का जो परिणाम अपेक्षित था वह दिखाई देता है। 10वें अध्याय में भगवान ने बताया कि संपूर्ण सृष्टि में वो किस तरह से भरे हुए, कहाँ कहाँ उनको देखा जाए, कैसे उनको पहचाना जाए। और ये सब देखने के बाद भगवान की भगवत्ता जो है वो थोड़ी थोड़ी अर्जुन के समझ में आ गई। इसका प्रमाण हमें मिलता है 11वें अध्याय के पहले ही श्लोक। ऐसे 10वें अध्याय में भी परम ब्रह्म परम धाम ऐसे कहा हुआ है अर्जुन ने भगवान से। तो पहले बार उन्होंने 10वें अध्याय में ही भगवान को ईश्वर रूप से स्वीकारा और उसकी स्तुति की है। लेकिन 11वें अध्याय के प्रारंभ में हम लोग देखते हैं कि ये कहते हैं मदनुग्रहाय परम, आपने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही यह सब बातें मुझे सुनाई। यत्वयोक्तम वचस्तेन, आपने ये सब जो कहा ये मुझ पर अनुग्रह करने के लिए। लेकिन साथ साथ उनके मन में ये भी एक उत्सुकता उत्पन्न हो गई अर्जुन के मन में कि यह जो मैंने सुना उसको मैं स्वयं देखूं, अपने आंखों से देखूं भगवान का वह रूप। अभी मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण जिस रूप में है, मानुष रूप है उनका, वह द्विभुज, केवल 2 भुजाओं सहित। लेकिन यही केवल उनका रूप नहीं है, ये मैं समझ गया। लेकिन सचमुच वो कैसे है, जैसा उन्होंने वर्णन किया, क्या उस रूप का दर्शन भी संभव है? ऐसा भाव अर्जुन के मन में आया और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, मैं आपका वह ऐश्वर्यशाली रूप, ईश्वर रूप, मैं वो देखना चाहता हूँ। और अत्यंत विनम्र भाव से अर्जुन कहता है कि मन्य से यदि तत् शक्यम मया दृष्टुमिति प्रभु, अगर आप ऐसा समझते हो कि मैं इसको देख सकूंगा, मुझमें वह क्षमता है, योग्यता है, तो आप मुझे वह कृपा करके दिखाइए। साथ साथ देखिए, इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान के लिए दो संबोधनों का प्रयोग किया है। वो कहते हैं प्रभो और योगेश्वर। चौथे श्लोक में प्रभु का अर्थ होता है जो सर्वसमर्थ है, कुछ भी करने में समर्थ है, और योगेश्वर मतलब जो कुछ अपनी महिमा अगर दिखाना चाहे तो वो दिखा सकते हैं, अपना ऐश्वर्य दिखा सकते हैं। इसका अर्थ ऐसा है, अर्जुन का ये दो संबोधन कहते तो है कि अगर आपको लगता है कि मैं योग्य हूं तो मुझे दिखाइए, लेकिन साथ साथ उनका भाव ये भी है कि आप तो प्रभु है, सर्वसमर्थ है और योगेश्वर भी है, तो अगर मुझ में योग्यता ना भी हो तो भी आप इतने समर्थ है कि मुझ में वह योग्यता आप दे सकते हैं, ला सकते हैं मुझे। देखिए, हमारी नजर जो होती है साधना करते समय हमेशा ही अपनी ओर नहीं रहनी चाहिए, भगवान की ओर रहे नजर तो अच्छा इसलिए होता है क्योंकि हमें मतलब एक सच्चे साधक के लिए अपने में हमेशा ही कुछ ना कुछ न्यून या त्रुटियां मालूम पड़ेगी। जो सच्चा साधक होगा वो हमारे और आप जैसे नहीं साधक, हमें तो लगता है कि वी आर परफेक्ट साधक, हम सबसे बढ़िया है, सब अच्छे से कर रहे हैं, बेस्ट पॉसिबल हम लोग साधना कर रहे हैं, ऐसे हमें लगता है। लेकिन जो सच्चा साधक होगा वो हमेशा यह सोचेगा कि कुछ ना कुछ मेरी साधना जितनी होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, मेरा अंतःकरण उतना शुद्ध नहीं है। लेकिन भगवान ऐसे दयालु है और इतने समर्थ है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही भाव अर्जुन ने प्रकट किया, और साथ ही भगवान के मन में ये बात सुनते ही ऐसा आया कि अरे मैं ये अर्जुन इतना विनम्र भाव से मुझे कर रहा है प्रार्थना, मैं उसको तुरंत दिखा दूं, बता दूं उसको कि अरे तुम योग्य हो, क्यों ऐसे सोचते हो। और इसलिए भगवान ने 5वें श्लोक में पश्चिम के पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रशः तुरंत दिखाना शुरू कर दिया, एक क्षण मात्र। देखो अर्जुन मेरे सहस्रों रूप देखो, नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृति च। लेकिन ये उनका ऑनलाइन डिस्कोर्स नहीं था भगवान का, भगवान और अर्जुन सामने सामने थे ना, तो भगवान ने कहा कि देखो। लेकिन उन्होंने जब सामने देखा अर्जुन के चेहरे के तरफ तो बोला कि अरे इसके चेहरे के ऊपर तो कोई आनंद नहीं है, आश्चर्य नहीं है, कुछ भी भाव नहीं आ रहे, ऐसे कैसे। फिर भगवान ने कहा अरे मैं तो भूल ही गया, ये तो आपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता, इसको दिव्य चक्षु देने की आवश्यकता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, यानी दिव्य चक्षु यानी क्या, ऐसे कुछ छू मंतर कर दिया भगवान ने। ये दिव्य चक्षु का अर्थ देखिए ऐसा भी ले सकते हैं, अगर भक्त की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान का वह दिव्य रूप देखने के लिए सचमुच दिव्य चक्षु दिए, ऐसा भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा भी उसका अर्थ होता है कि भगवान ने वह दृष्टि उनको प्रदान की। एक होती है आंख और एक होती है दृष्टि, अंतर है ना दोनों में, तो देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तो कैसे देखा जाए इस रूप को, वह भगवान ने उनको समझा दिया। यहाँ पे तो कुछ श्लोक में संजय ने गाए हुए हैं, वो कहते हैं कि दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ईश्वरम। भगवान ने अपना वह दिव्य रूप पार्थ को दिखा दिया। और कैसे, ततः विस्मयाविष्टः धृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत संजय कहता है कि ये देखना, देखने के रूप जैसे ही प्रकट हो गया तो अर्जुन जो है विस्मयाविष्ट, आश्चर्य से आविष्ट हो गया। मतलब आश्चर्य की इतनी अधिकता कि अरे ये ऐसा रूप, और हृष्ट रोमा मतलब आनंद से कारण उनके रोम खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए आनंद से, रोमांचित हो गया अर्जुन। देखिए पहले उसने जाना हुआ था, एक नई बात थी क्या उसके लिए? नहीं, समझ गया था, जान गया था कि भगवान का स्वरूप कैसा है, कैसे वो ईश्वर रूप है, भगवत्ता समझा था। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की थी कि मुझे दिखाइए वह रूप। लेकिन समझने में और प्रत्यक्ष देखने में अंतर होता है कि नहीं होता है? थोड़ा सा। पूरन पोड़ी बनाना किसी ने बोल दिया हो वर्बली कि हाँ ऐसे करो, ये आटा ऐसे गुनो, पूरन ऐसे बनाओ, इसमें ये चीजें डालो, इतनी देर तक रखो, सब कुछ बताया। तो समझ में तो आ गया कैसा है, थ्योरेटिकली मालूम पड़ गया। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअली किसी को देखेंगे बनाते हुए तो समझेंगे अरे हाँ ये ऐसा है, आपने जो बताया तो था, लेकिन वो ऐसा करना पड़ता है, आटा इस प्रकार गूंथना पड़ता है, ये इतना ठीक से समझ में नहीं आया था, अरे इतना कठिन है, तो जाने दो, छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना? या कोई चैलेंज लेने वाली स्त्री होगी तो बोलेगी हाँ मैं तो अवश्य करके दिखाऊंगी, ये भी संभव है। तो समझने में और प्रत्यक्ष देखने में अंतर होता है। अर्जुन ने जाना था, फिर भी जब सामने देखा तब आश्चर्य, आनंद, सब दिव्य भाव जो है उसके एकदम जागृत हो गए। और उसने जो वर्णन किया है वो भी बड़ा सुंदर है भगवान का। पश्यामि देवांश तव देव देहे, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक देवता देख रहा हूँ। किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, मैं देख रहा हूँ आपको कि आपके अनेक अनेक सिर है, जैसे पुरुष सुक्त में वर्णन है, नारायण सुक्त में वर्णन है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, और आपके सारे सिरों में मुकुट है पहने हुए, हाथ में गदा है, चक्र है, कितने कितने सब तेज के पुंज है, राशि है आप। अनेक बाहु दर वक्र नेत्रम, आपके अनंत बाहु है, अनंत उदर है, नेत्र वक्र सब आपके अनंत है, ये मैं देख रहा हूं सब। अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम, सूर्य और चंद्रमा मानो आपके नेत्र है। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, और आप अपने तेज से सारे विश्व को तप्त कर रहे हैं, आलोकित कर रहे हैं, आप सारी दिशाओं में व्याप्त है। और ये तेज देखा और ऐसे लग रहा उनको कि बाप रे ये तो बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, तेज का एकदम ऐसा इतना बड़ा तेज और राशि, यही शब्द आ सकता है उसके लिए, इतनी बड़ी तेज, हाँ तेजो निधि जैसे वो सामने आ गया उनको। लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन, इतना बड़ा तेज देखने के बाद अर्जुन थोड़ा सा डर भी गया थोड़ा सा। और धीरे धीरे क्या किया भगवान ने, थोड़ा थोड़ा अपना उग्र रूप भी दिखाना शुरू कर दिया। दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन, और बोले क्या रूप दिखाने शुरू कर दिया? तो बोले हम ऐसा देख रहे हैं कि जितने भी प्राणी है संसार के, बड़े बड़े ऋषि है, मनुष्य है, रुद्र है, आदित्य है, वसु है, सब जितने लोग हैं, गंधर्व, यक्ष, सुर, सिद्ध, संग, सबके संग, समूह के समूह आपके विशाल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। और अभी थोड़ा बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम, आपके केवल सब रूप ही बड़ा है ऐसे नहीं है। अभी धीरे धीरे अर्जुन को सब दिखाई देने लगा, उग्रता उस रूप की। बोले आपके दांत भी बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत कराल नुकीले लग रहे हैं बहुत। और धीरे से बोलते हैं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास तथा हम, संपूर्ण लोक भयभीत हो गया है ये देखकर, व्यथित हो गए हैं सब। और तथा अहम, थोड़ा थोड़ा मैं भी डर गया हूं भगवान। मैं जानता हूं कि आप वही है मेरे सखा, लेकिन मैं थोड़ा सा डर गया हूं। नभस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम। आपका शरीर जो है पूरे नभस्पृशम, मैंने आकाश को स्पर्श कर रहा है, पूरी पृथ्वी में व्याप्त है। धृतिम न विंदामि शमंज विष्णु। अर्जुन कहता है दिशो न जाने न लभे शर्म, में जहां देखता हूं मुझे आपका ही रूप दिखाई दे रहा है। कौन सी दिशा है क्या है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। न लभे शर्म, मेरा मन अपनी शांति खो बैठा है। प्रसीद देवेश जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। वस्तुतः ये प्रसन्न हो गए थे भगवान, इसीलिए दिखाया था ना ये रूप। लेकिन जैसे ही भगवान के रूप की उग्रता अर्जुन ने देखी, उसको लगा कि भगवान शायद गुस्सा हो गए, क्या मेरे ऊपर नाराज हो गए, ऐसे इतना उग्र रूप क्यों दिखा रहे, कभी देखा नहीं मैंने ऐसा। हमेशा तो हंसी मजाक करने वाले, प्यार करने वाले, बांसुरी बजाने वाले, ऐसे ही कृष्ण को मैंने देखा हुआ है, ये उग्र रूप मैंने नहीं देखा कभी। तो बोले भगवान आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। भगवान ने कहा कि अच्छा इसको थोड़ा सा और डराए, उन्होंने और थोड़ा चरण बदल दिया। पहले पहले तो बहुत अच्छे अच्छे सब दिखाए थे रूप, फिर थोड़े उग्र रूप दिखाए और बोले देखो अभी कौन दिख रहा है तुमको। अमित चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सवैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणसूत पुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्ये। अर्जुन ने देखा कि उनके मुख में सिर्फ ऐसे कोई कोई ऋषि और कोई गंधर्व यक्ष वगैरह सिर्फ प्रवेश कर रहे ऐसे नहीं, अभी उनको और ज्यादा प्रैक्टिकल मालूम पड़े अर्जुन को, इसलिए दिखाना शुरू कर दिया कि कौरव जो लोग हैं, कौरव पक्ष के लोग, धृतराष्ट्र से पुत्र कौरव और साथ साथ भीष्म द्रोण कर्ण ये भी सब उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि अरे ये तो पूरे कुरुक्षेत्र में भी सबको अपने मुंह में डाल रहे। उनके पक्ष के भी पांडवों के पक्ष के भी दिखाए, कुछ कुछ मुख्य मुख्य योद्धा लोग जा रहे और कैसे जा रहे तो बोले त्वरमाणा विशंति, बड़े वेग से जल्दी जल्दी से मुख में प्रवेश कर रहे हैं। दंष्ट्रा करालानी भयानकानी किंचित विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चुरीतैरुत्तमांगैः। वेदव्यास जी ने क्या ही वर्णन किया हुआ है। वो कहते हैं कि जैसे मुख में प्रवेश कर रहे हैं बोले इतने वेग से अंदर जा रहे हैं और इतने लोग एक साथ प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो गया, भीड़ हो गई भगवान के मुंह में। और पास होते समय उनके जो दांत होते ना, दांत दाढ़े, उसके बीच बीच में कुछ लोग अटक गए, किसी का हाथ अटक गया, किसी का पांव अटक गया, किसी के बाल, किसी का कान, चूर्णित उत्तम आ गई। बड़ा भयानक वर्णन है। हम लोग जैसे सब्जी खाते हैं तभी कुछ ना कुछ अटक जाता है, पर्टिकुलरली लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे तो थोड़ा सा अटक जाएगा, थोड़ा भी जगह हो बीच में, तो वहां पे निकालना पड़ता है वो, तो कैसे लगता है वो। तो ये कहते भगवान आपके मुंह में तो ये सब अटक रहे हैं, कैसा दृश्य रहा होगा देखिए, भयंकर। आप थोड़ी सी मन में ऐसी कल्पना कर दीजिए। और ये कैसे कर रहे हैं तो कहते हैं लेली से ग्रसमानस समन्ता। बोले और ये जो अटक रहे हैं और जो जा रहे हैं मुंह में, तो वो दृश्य तो भयंकर है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा भयंकर मुझे क्या लग रहा है कि लेलिया से आप बड़े चाट चाट कर खा रहे हैं सबको। ऐसी तो दुष्टता कभी देखी नहीं मैंने आपने। आपको कुछ नहीं लग रहा है, खा रहे हैं आप सबको। दुष्टता ऐसा भाव नहीं आया होगा अर्जुन के मन में, लेकिन भयंकरता तो जरूर आ गई होगी। तेरे क्या है, ऐसे कैसे खा रहे, भगवान खा रहे हैं सबको। हाँ तो अर्जुन कहते हैं आख्या ही मे को भवान उग्र रूप नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। आख्या ही मतलब आप मुझे बताइए कि कहा भगवान, ये उग्र रूप वाले आप कौन हैं? अभी तक तो मैं सोचा था कि आप कृष्ण भगवान ही है, इस रूप में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई दूसरा ही आ गया है कि आप मेरे सामने प्रकट हो गया, जो बड़े मजे से खा रहा है, हाथ खा रहा है, किसी का पाँव खा रहा है, सब आदमी का आदमी खा रहा है। तो वो भगवान आप कौन है? नहीं प्रजानामी तव प्रवृत्ति, और आप क्या करना चाहते हैं ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप किस बात का संकेत दे रहे हैं? क्या इच्छा है आपकी? नमोस्तुते देववर प्रसीद, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। तो भगवान ने उसका उत्तर दे दिया, कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत क्षयकृत प्रवृत्ता लोकान समाहर्तुं निह प्रवृत्ता ऋते विद्वान् न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अच्छा, एकदम वर्णन भगवान ने जो बताया हुआ है बात बहुत ही अच्छी है। वो कहते हैं कि कालोस्मि, मैं स्वयं काल हूँ, लोक क्षयकृत प्रवृद्धा, आपने पूछा था ना मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं संपूर्ण लोकों का क्षय करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, सबको अपने आप में विलीन कर लेना चाहता हूं मैं, यह मेरी प्रवृत्ति है। काल भगवान सबको अपने में समा लेते हैं। और आगे जो बात बताई, रुते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, अर्जुन ये मैंने इसलिए तुम्हें ये रूप दिखाया हुआ है कि तुम ऐसे सोच रहे हो कि तुम मारोगे तो ये सब मरेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं प्रत्यक्ष काल हूं और मैंने संकल्प कर लिया है कि इन सब का नाश अवश्यंभावी, सब मरने वाले हैं, मेरे संकल्प से ही ये मारे गए हैं वस्तुतः। हृदय विद्वा मतलब तुम्हारे बिना भी न भविष्यति सर्वे, ये कोई भी रहने वाले नहीं है आज। देखिए अर्जुन के मन में हमने जो शुरू में देखा था पहले अध्याय में कि मैं ये उनको मारने वाला हूँ और मुझे पाप लगेगा और ऐसा होगा वैसा होगा, मेरा तो कर्तृत्व भाव जो अर्जुन अपनी ओर ले रहा था, उस कर्तृत्व भाव को पूरा का पूरा मिटाने का सामर्थ्य एक शब्द में। और किसके कर्तृत्व भाव का? सिर्फ अर्जुन के नहीं, हमारे और आपके भी। हमें रहता है ना कर्तृत्व कि हमने किया, ये किया, पुण्य किया तो पुण्य का भी रहता है कर्तृत्व, पाप हो गया अपने हाथ से तो पाप का भी कर्तृत्व रहता है। मन में गिल्ट रहता है, पश्चाताप की भावना होती है कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हो गया, लेकिन ये जो घटनाएं घटने वाली होती है कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता, ये भगवत संकल्प से हो रहा है। कर्तृत्व भाव मत लेना। भगवान कहते हैं कि तुम नहीं मारोगे तो भी एक कोई भी रहने वाले नहीं, तुम नहीं मारोगे तो दूसरा कोई मारेगा। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तो जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। यहाँ पे हमारे गुरुजी हमेशा बताते थे कि अर्जुन ने कहा होगा शायद कि भगवान अगर मेरे बिना ही ये सब मरने वाले हैं तो कितनी बढ़िया बात हो गई फिर। आप फिर मुझे क्यों कहते हो कि मारो इनको, मारो, युद्ध करो, ये करो, वो करो, फिर आप ही मार दो ना, अच्छी बात है, फिर मुझे कुछ पाप वगैरह नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, तस्मात् उत्तिष्ठ, कि ये कर्तृत्व भाव मिटाने का अर्थ कर्म छोड़ना है क्या? नहीं, कर्तृत्व भाव छोड़ना है, कर्म नहीं छोड़ना है। उठो और जितवा शत्रु, शत्रु को जीत लो, और क्या मिलेगा तुम्हें? यशो लभस्व भुंश्व राज्यम समृद्धम, ये समृद्ध राज्य तुम्हें मिलेगा, यश भी मिलेगा। देखिए, ये बहुत ही महत्व की बात नोट करने की है कि भगवान यहाँ पर अर्जुन के द्वारा हम सबको यह बात बता रहे हैं कि कर्तृत्व भाव छोड़ो, मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, यह भाव निकाल दो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म ही मत करो, कर्म करते रहो, लेकिन कर्ता बनकर नहीं। फिर क्या बनना है? बोले निमित्त मात्रम भव सव्य साची। भगवान कहते हैं कि तुम केवल निमित्त मात्र बनो, करण बनो, कर्ता नहीं। करण मतलब इंस्ट्रूमेंट, हाथ का साधन। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये भगवान के इच्छा से, भगवान के हाथ का साधन बनकर, करण बनकर मैं कर रहा हूं। इच्छा है भगवान की, ऐसा मन में भाव होना चाहिए। जैसे किसी अपराधी को एक जज के सामने खड़ा कर दिया जाए और उसके सामने पूरा उसका केस चले, और उसके बाद में अगर वह जज ऐसा निर्णय करता है कि यह व्यक्ति अपराधी है और इसको फांसी देनी चाहिए, वो लिख देता है डेथ सेंटेंस। और उसके बाद जो दिन निश्चित किया होगा उस दिन, उस समय में उस अपराधी को लेकर जाते हैं। फांसी कौन देता है? जज स्वयं देता है? नहीं, वो जो वहां पर फांसी देने वाला जो जल्लाद होता है वो फांसी दे, उसको फांसी के ऊपर चढ़ाता है। तो इसमें कर्ता कौन हो गया? सोचिए, जो जिसने एक्चुअल फांसी दिया वो करता है? नहीं, वो तो करण है, इंस्ट्रूमेंट है वो। उसका नाश किससे हो गया? उसकी जो मृत्यु हो गई, जो फांसी मिली उसको, वो किसने दे दी? वो जज ने दे दी। तो जल्लाद ये निमित्त मात्र है, देने वाला है, संकल्प करने वाला कौन है? जज। लेकिन अगर सच्चे अर्थ में हम लोग सोचेंगे तो वो जज भी सचमुच करता नहीं होता, नहीं तो उसको पाप लगेगा फिर कि किसी को फांसी दे दिया, मार दिया किसी को। मतलब जिस कारण से उस अपराधी को सजा मिल रही है, दंड मिल रहा है, वही काम जज भी कर रहा है क्या? तो बोले नहीं नहीं, वो भी नहीं है बात, वो भी सचमुच करता नहीं है। तो सचमुच करने वाला कौन है? तो बोले उस अपराधी का अपना कर्म, उसने जो अपराध किया हुआ है उसके कारण ही वो मारा गया। तो कर्तृत्व भाव या कर्तापन नाम की कोई चीज ही नहीं है सच में देखो तो। यहाँ पे निमित्त मात्र भव सव्य साची, ऐसे अर्जुन से कहा भगवान ने। तो ये देख सुनने के बाद अर्जुन जो है उसने तो समझ में तो आ गया सब कुछ उसके, कि यही मेरे भगवान है। बड़ी अच्छी बात कर दी उन्होंने। कहते हैं स्थाने ऋषिकेश प्रकीर्त्या जगत प्रवृष्यनुरज्यते। बोले आप, आपकी स्थाने मतलब एकदम योग्य है, बराबर है। क्या बराबर है? जो आपकी कीर्ति है चारों ओर फैली हुई, कि आप ही इस संपूर्ण जगत को चलाने वाले हैं। जगत प्रवृष्यनुरज्यते, आपका ही विलास मैं चारों ओर देख रहा हूँ। और भगवान अर्जुन के मन में ऐसा आया कि उसने तो भगवान को प्रणाम ही प्रणाम करना शुरू कर दिया। नमो नमस्ते सुसहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, नव पुरस्तादस्ते नमस्तुते सर्वत एव सर्व। मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, पीछे से करता हूँ, दाएं से करता हूँ, बाएं से करता हूँ, सब जगह पे बार बार आपको प्रणाम ही प्रणाम करता हूँ। क्या दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ है ही नहीं। तो बार बार प्रणाम कर रहा है अर्जुन, इतना भाव विभोर हो गया। और एकदम से उसको याद आ गया अर्जुन को, मतलब पहले 10वां अध्याय सुनने के बाद जो भगवत्ता ध्यान में आई थी उससे भी और प्रत्यक्ष देखने के बाद और थोड़ी सी अधिक भगवत्ता समझ में आई। देखिए पूर्ण रूप से हमारे समझ में भगवत्ता है ऐसे हम कभी नहीं कह सकते। भगवान अनंत है, भगवान की भगवत्ता भी अनंत ही है, महिमा भी उनकी अनंत है। हमारी बुद्धि से थोड़ी थोड़ी हमारी समझ में आती है। तो अर्जुन ने सोचा कि अरे ये सचमुच ये भगवान इतने बड़े हैं, इतने महान है, और मैं आज तक कैसा व्यवहार करता रहा उनके साथ, एक सखा मानते हुए उनको। तो बोले सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन। बोले भगवान मुझे, मैंने तो क्या क्या नहीं किया हुआ है, विहार शय्यासन भोजनेषु, मैंने आपके साथ जैसी बात की जैसा व्यवहार किया, तो आपको सखा समझते हुए आपके साथ चलते हुए एक साथ सोया एक साथ खाया पिया। बोले ये सब मैं आपके साथ कैसे उठ बैठ सकता हूँ, कहाँ आप और कहाँ मैं। तत् क्षामये त्वाम अहम् अप्रमेयम्, आप तो अप्रमेय है, आपको नापा नहीं जा सकता। तो आप मुझे सारी चीजों के लिए क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बराबरी का व्यवहार आपके साथ किया हुआ है। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देवसूनो। तो कहते हैं मेरे आप जैसे एक पिता अपने पुत्र को उसके अपराधों को हमेशा क्षमा ही करते जाता है क्योंकि मन में प्रेम होता है। सखेव सख्युः, एक सखा दूसरे सखा के, दो मित्र जब रहते हैं उनका आपस में मेरा क्या हमेशा अच्छा ही होता है। कभी कभी एक दूसरे को गाली भी देते हैं, कुछ गलत भी समझ लेते हैं, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, लेकिन बाद में वो चीजें ध्यान में रखी जाती है क्या, बोले नहीं। और प्रिया प्रिया यार मतलब एक प्रियकर अपने प्रेयसी के साथ जिस प्रकार सारी बातें जो अपराध किए हुए हो वो ध्यान में नहीं रखता, उसमें प्रेम की प्रधानता रहती है, वैसे ही आप ये सब प्रेम मेरे लिए रखते हुए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रसीद देवेश जगन निवास। और फिर से अर्जुन के मन में अभी भी भय तो है ही, कहते हैं भये न च प्रव्यथितं मनः, मैं अभी भी डरा हुआ हूं ही हूं भगवान, तो इसलिए आप थोड़े शांत हो जाइए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, मैं आपको फिर से जैसे आपका ये रूप है वो उस रूप में आपको नहीं देखना चाहता, आपका जो शांत सौम्य रूप है उस रूप में ही मैं आपको देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि बोले ऐसा रूप तो मैंने जो दिखाया हुआ है अर्जुन तुमको किसी ने भी नहीं देखा, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अभी मैं तुम्हारा ऐसा प्रार्थना जो है उसको स्वीकार करता हूँ। तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, मेरा सौम्य रूप भी अभी तुम देखो। और भूतवा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, फिर से भगवान ने अपना ये सब विश्व रूप जो था वह संवरण कर लिया और फिर से अपने मूल रूप में, जो मूल रूप मतलब जो अर्जुन के सामने हमेशा रहता था द्विभुज रूप, पहले चतुर्भुज हो गए फिर द्विभुज भी हो गए। अर्जुन ने एकदम बोला अब तो ठीक है, अब देखा जा सकता है उसकी तरफ। दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन, मैं अभी थोड़ा सा होश में आ गया आपका ये मनुष्य रूप देखते हुए। ये बहुत ही विलक्षण रूप था आपका, मैंने जो देखा। तो भगवान ने उसको कहा भक्त्या त्वं नैयाशक्यः अहम् एवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। जिसके मन में मेरे लिए अत्यंत भक्ति होती है केवल मैं उसी को यह इस रूप में मुझे देख सकते हैं। और इस रूप को भगवान को प्राप्त कैसे करना, यह भी एक आखिरी बहुत ही सुंदर श्लोक है। मत्कर्म कृत मत परमः मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्स मामेति पांडव। वो कहते हैं कि जो यह मतलब जो कोई मत कर्म कृत मतलब मेरे प्रीत्यर्थ सारे कर्म करता है, जो भी कर्म करे, सांसारिक कर्म करे, साधना के कर्म करे, जो भी करे किसके लिए करे? भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। मत परमः मतलब मुझे ही सबसे परम जानते हुए, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही उनका ध्येय हूँ, मुझे साध्य मानते हुए। और मद भक्तः मतलब मेरे भक्त बनकर मतलब मुझसे ही प्रेम है। और इसके साथ साथ संगम वर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु मतलब अब संग वर्जित मतलब कहीं पर भी आसक्ति नहीं और किसी के साथ भी वैर भाव नहीं। इस प्रकार से मतलब राग नहीं, द्वेष नहीं, और शरीर, मन और बुद्धि तीनों स्तर पे केवल भगवान को चाहना। यह समामेति पांडव, वह मुझे ही आकर प्राप्त होता है। तो ऐसी साधना करने के लिए यहाँ पर हमें भगवान ने संकेत दे दिया। बहुत ही सुंदर आखिरी श्लोक है ये। और इसके साथ यह 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन कहिए, विराट रूप दर्शन भी कहिए। विराट यानी टोटलिटी में, समष्टि में, विश्व मैंने व्यष्टि लेवल पर, बात एक ही है। तो ऐसा दर्शन जो अर्जुन को प्राप्त हो गया, ये हमें हमारी बुद्धि में तो कम से कम आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए यहाँ पर रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।